ये क्या कर रहे तू यार? वो मैं फेसबुक में अपने आप को सेफ मार्क कर रहा हूँ ताकि मेरे फ्रेंड्स और फैमिली को पता चले कि मैं सेफ हूँ। तो क्या तू हमेशा अपने आप को सेफ मार्क करता रहेगा? तो क्या करूँ, ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि अपने आप को एक बार सेफ मार्क करके हमेशा के लिए सेफ कर लूँ। बिल्कुल हो सकता है। जब परमेश्वर ने जगत की रचना की तो सब सुंदर था और हमेशा के लिए था, पर मनुष्य ने परमेश्वर की आज्ञा न मानकर पाप किया और इस प्रकार जन्म हुआ दर्द, बीमारी और मृत्यु का। पूरी धरती में पाप फैल गया, सब ने पाप किया और सब मरना डिजर्व करते हैं। मैं मरना क्यों डिजर्व करता हूं? क्योंकि बाइबल कहती है, परंतु मैं तुमसे ये कहता हूं कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वह दंड के योग्य होगा, और जो कोई कहे अरे मूर्ख, वह नरक की आग के दंड के योग्य होगा। इसका मतलब अगर तुम अपने मन में भी किसी के बारे में बुरा सोचते हो तो तुम पापी हो। हाँ, हम सब पापी हैं, और हमारे इस पाप को यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया, क्योंकि पूरे संसार में वही एक ऐसे व्यक्ति थे जो हम सबका पाप उठा सकते थे। वो मनुष्य बनकर हमारे बीच में आए और पाप रहित जीवन जिया। वो हमारे लिए मरे और तीसरे दिन जी उठे। बहुत जल्द दुनिया खत्म होने वाली है, वो नाश की ओर हर दिन बढ़ती जा रही है। और अगर तुम कहते हो कि यीशु मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा, तो तुम्हारे सारे पाप भी माफ कर दिए जाएंगे। तुम यीशु के लहू द्वारा शुद्ध किए जाओगे और नाश नहीं होगे। और जब यीशु मसीह बादलों पर आएंगे, तुम्हें भी अपने साथ ले जाएंगे एक ऐसी दुनिया में जहां कोई दर्द नहीं, कोई मृत्यु नहीं है, जो सुंदर है और हमेशा के लिए है। तो मैं अब आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आप सेव्ड हो?